देखो पहले आप एक बार छाप लो पहले, ठीक है, फिर चैप्टर क्लोज करो। चलो काम शुरू करते हैं, पहले याद शुरू करते इधर से। देखो यार अब ध्यान सुन ले की बात, पहले पॉजिटिव होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट निगेटिव होगा तो उसको आप पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रिएट करेंगे, उसको पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रिएट करेंगे। क्योंकि देखो ये पाई है निगेटिव, इधर से करंट पाई बन गया ना, इसको हम पाई की तरह ट्रिएट करेंगे। अगर ए सी में तो नहीं ट्रिएट करते, लगाओ भाई अपने लगा। चलो भाई लगा ले तो बताया जा रहा, देखो कौन एरोमेटिक कौन नहीं, फटाफट बता रहे देखते हैं। देखो यहाँ पे जब चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब यहाँ देखो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि सब कुछ रेलवे से बताया हुआ, सिर्फ यहाँ चार इलेक्ट्रॉन है तो चार देखो इसमें आएगा, यहाँ पे ये देखो फोर इंटू वन फोर पाई इलेक्ट्रॉन फोर इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये देखो ऐसे किया गया है, दो इलेक्ट्रॉन दो और ए ए, मतलब एक पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड तीन पाई बॉन्ड। अगर नए संपर्क इसमें बता देता हूँ कि संपर्क कौन से हो, तुम्हारा टेंशन ज्यादा ना हो, इसको देख घर शिफ्ट करोगे डबल वन एवे तुम बेटी यहाँ पर आएगा, ये डबल वन अब दोबारा क्या करोगे इसको घर शिफ्ट करोगे इधर आ जाए, ऐसे घुमाते रहो। देखो जब ये हाथ था तो ये दो पाई थे दो पाई बॉन्ड, तो इसको देखो जब घर शिफ्ट किए ये निगेटिव आ गया, जो भैया दो पाई बॉन्ड है तो इसका शिफ्ट करो जो भैया आ गया, इसका मतलब जो निगेटिव है वही पाई की तरह बिहेव कर रहा है। ये लोग देखो तीन है टोटल, अब इसको भी ये पाई की तरह होगा सिक्स, और सिक्स देखो इसमें आएगा भैया ट्वेल्व वन टू ट्वेल्व, देख लो फोर इंटू वन प्लस टू बराबर सिक्स, या यहाँ पे करके देख लो सॉरी यहाँ इसके बाद यहाँ पे इसको हिसाब से लगा देखो यहाँ पे टू 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 एट हो गया और एट यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ का वैल्यू अगर फोर इंटू टू करोगे तो एट आएगा, और यहाँ पे टू टू करोगे तो टेन आ जाएगा, टेन तो है नहीं, इसका मतलब टेन नहीं है ये एरोमेटिक नहीं है एंटी एरोमेटिक। चलो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन मतलब ये हो गया सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा उसमें जाएगा कि यार डबल वन फिट करके देख लो फोर वन का फोर प्लस टू सिक्स आएगा। चलो ये हो गया एरोमेटिक, अब देखो ये फोर है ये जाएगा एंटी एरोमेटिक, ये देखो दो आएगा से एरोमेटिक, ये टू 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 सिक्स आ गया एरोमेटिक, अब देखो टू और टू फोर आ गया फोर इसमें आता है देखो एंटी एरोमेटिक, ये टू है तो एरोमेटिक। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने ये बोला कि सिर्फ सेकंड ऑर्डर कंजुगेशन है बट ये ऊपर नहीं है, इसी को हमने ऊपर लिखा था कंप्लीट कंजुगेशन, साइक्लिक के साथ साथ कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। अच्छा आप उसी को जैसे इसको देख रहे हो उसी नजर से और इसको देखो तो ये भी सीमा सीमा आ रहा है ना, ये होगा बराबर, इसको बोलते हैं कि यहाँ पे आर्बिटल वैकेंट है पाई, एक की आर्बिटल वैकेंट होता है इसीलिए इस वैकेंट से कंजुगेशन कर लेता है इस तरह से, इस वैकेंट से ये भी हो जाएगा एरोमेटिक, ये पॉजिटिव है तो देखो टू 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 लाइक पूरा कंप्लीट कंजुगेशन है ये भी हो जाएगा एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक एरोमेटिक। अब ये तुम जानते हो बचपन से कि बेंजीन है वो तो एरोमेटिक ही होता है, पता नहीं समझते देखो
बेंजीन पाया जाता है एरोमेटिक है। 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो सब जगह sp2 आएगा, सब जगह sp2 आता है, इसे उसके एरोमेटिक बोलते हैं। बेंजीन में तो हमारा क्या है, एरोमेटिक होता है। देखो ये भी एरोमेटिक है, ये भी है, ये सब है, विश्वास से देख लो। 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 सेवन पाई इलेक्ट्रॉन है, सेवन पाई बॉन्ड है, देन 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि अगर n का वैल्यू 3 पुट कर दे तो 14 आ जाएगा, और यहाँ अगर n का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 12 आएगा। तो 12 अगर आता तो एंटी एरोमेटिक होता, बट 14 है तो एरोमेटिक होगा। एक तो मैं और फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, एक और फार्मूला लिख रहा हूँ तुमको, तरीका देख। अगर तुम पाई बार गिन पा रहे हो, यह का वैल्यू कैसे मिला लोगे, मान लो आप 6 ऐसे लिख दोगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, पाई बार 3 है, पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन कट गया, 4n+2 बराबर 6, बोलो भाई तो 4n बराबर 4, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, 4/4 बराबर 1, वही चीज़ यहाँ देख लो, इस वाले में 2 4 6 2 8 है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 8 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई से पाई कट जाएगा, तो बचेगा 4n+2 बराबर 8, तो 4n बराबर बचेगा 6, n बराबर बचेगा 6/4, देख सकते हैं 3/2, n बराबर क्या आएगा 3/2। जब n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, जब n का वैल्यू फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब तुम्हें इसमें सब वो बता रहे, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, इसके पे एक क्वेश्चन ये आया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ये एक ये और एक क्वेश्चन ये आया हुआ है एरोमेटिक, एक ये भी आया हुआ, देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, और इसमें कोई नहीं आया हुआ है, और इसी को पास ही कर दो, ये भी आया हुआ, इसी को पास ही कर दो, जैसे यहाँ देखो ये वाला, ये आया हुआ जो हमने हरा से लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल में आया हुआ है, तो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, होता तभी बहुत है भाई, बट सब नहीं लिख रहा हूँ, बस आप सीख जाओ किसी तरीके से, सीख के बना लो इतना। तो एक बार फिर से बताता हूँ, नहीं समझता हूँ, देखो कुछ करना नहीं है भाई, देखो फिर से बता रहे सबको बिटा देगा भाई, आ गया तो ठीक ठीक, मैं तो फिर से बता देता हूँ एक बार, दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, ओके, तो तुरंत में वही एग्जाम्पल फिर बता देते, जैसे कि एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, हमको पूछना है कि एरोमेटिक है या नहीं है, देखो इसको कैसे बताते हैं, जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो इधर चला जाएगा, इसका मतलब हो गया कि लोड बेयर कंजुगेशन में है, और कभी भी जब लोड बेयर कंजुगेशन होगा तो पाई बांड की तरफ बिहेव करेगा, और पाई बांड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ से 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, आप फार्मूला लिख के देख लेंगे भाई, 4n+2 वाले में पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा 6 बराबर 4n+2, इसको इधर भेज दो, 4 बराबर 4n, n का वैल्यू कितना जाएगा 1 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी एग्जाम आया हुआ है, किसी किसी एग्जाम पे मिल जाएगा। देखो फिर से यार, एंटी जब होगा ना, अगर एंटी एरोमेटिक तो पक्का है कि ऐसे समझ लो, एक होता है पाई बांड, यानी को पाई बांड यहाँ लिखते हैं, इसलिए मैं आपको देखना ज़्यादा यूज कर देता हूँ, ट्रिक यहाँ में लिखो, यहाँ ले सकते हैं पाई बांड, यहाँ लिखो पाई बांड, ठीक है, यदि पाई बॉन्ड ऑड आएगा, ऑड ऑड का मतलब 1 3 5 7 9, वो किस में जाएगा, एरोमेटिक, यदि n का वैल्यू मान लो 2 3 सॉरी 2 4 6 8 इस तरह से आएगा n के बराबर, मतलब इस तरह से आएगा, तो यहाँ सॉरी लिख लीजिए पाई बॉन्ड का वैल्यू, और 2 आ गया ये पाई बॉन्ड लिखो भाई, पाई बॉन्ड यहाँ भी लिख लो पाई, अगर इस तरह से आएगा तो इसमें जाएगा, और इस तरह से आएगा तो इसमें जाएगा, तो फटाफट ये लिख सकते हो, फटाफट देख लो कि पाई वन कैसा है, इवन है कि ऑड है,
एरोमैटिक आर डबल तो एंटी एरोमैटिक, ये भी ट्रिक अच्छा है। अब इससे देखो कम टाइम के लिए, एक का मतलब एक पाई वन तो दो पाई एक, तीन है तो सिक्स, फाइव है तो टेन, सेवन है तो फोर्टीन, नाइन है तो ट्वेंटी, तो बेटर है पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ में देख लो टू का मतलब फोर, फोर का मतलब एट, सिक्सटीन का मतलब ट्वेल्व, एट का सिक्सटीन पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही फटाफट गिन सकते हो एग्जाम में फटाफट। जैसे देखो ये था नहीं क्या बोलते ऐसे निगेटिव, फटाफट गिन लेंगे, दो आ गया पाई वन, दो पाई वन, दो पाई वन, यहाँ देख लो चार पाई इलेक्ट्रॉन। ये किसमें है, एनटी एरोमेटिक में, ठीक है। चल इतना बस करते हैं।